सरकार हाय हाय एनडीए सरकार हाय हाय एनडीए सरकार हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय एनडीए सरकार एनडीए सरकार हाय हाय एनडीए सरकार हाय हाय रियासत का दर्जा वापस करो रियासत का दर्जा वापस करो रियासत का दर्जा दो रियासत का दर्जा वापस करो काला कानून वापस करो काला कानून वापस करो एनडीए सरकार हाय हाय जम्मू कश्मीर को लूटना बंद करो बंद करो कश्मीर को लूटना बंद करो बंद करो लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो जम्मू कश्मीर को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय आतंकवाद खत्म करो खत्म करो खत्म करो आतंकवाद खत्म करो खत्म करो खत्म करो आतंकवाद खत्म करो खत्म करो खत्म करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद काला कानून वापस करो वापस करो वापस करो काला कानून वापस करो वापस करो वापस करो काला कानून वापस करो गो बैक गो बैक एलजी गो बैक गो बैक गो बैक ओ माय गॉड आयो आयो गुली गुली याद हो रही है देखिए लोगों की रिजेंटमेंट है लोगों के अंदर गुस्सा गिला है लोगों को इतने जुल्म स्तंभ सहने पड़ रहे हैं और जिस किस्म के हालात हमने दो इश्यूज पे अभी बात कर रहे हैं एक आतंकवाद जो हमारे आर्मी के लोग शहीद हुए हैं उनको उनके 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 लिए हम स्वर्गवास की भगवान से मांग करते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ सरकार को कहना चाहते हैं आपकी नलाकी की वजह से इतना जो जुल्म हुआ तो इसका लिए हम ये कहना चाहेंगे अगर सरकार को समझ नहीं आती अगर किसी को तो हमसे पूछें हम बताएं मिलिटेंसी उग्रवाद का कैसे हल होगा और जो करप्शन चोरी दादागिरी जो इन्होंने फैलाई है उसके खिलाफ जो इन्होंने काला कानून लाया सारी पावरें गवर्नमेंट ने सीज की है जैसे दिल्ली में किया ये करना चाहते हैं ये मान चुके हैं कि ये हारे हुए हैं इनकी प्लेयर पिक्चर आ चुकी है कि हारने के बाद पहले सोचते हैं कि सरकार को कंट्रोल कैसे किया जाएगा ये कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सारे काला कानून लाया हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ कर चलते हैं हमारी पार्टी पूरी और पूरे लोग इसकी मजम्मत करते हैं और इस समय गर्मियों के दिन है लोगों का जो बिजली का हार और किराया जिस तरीके से लोगों को तंग कर रहा है हम लोगों के साथ हैं लोग इसके लिए सड़कों पे आए और लड़ाई लड़े इसके लिए चुनावी सरगर्मियों में तेज हुई है कांग्रेस पार्टी ये एक बड़ा क्लियर बता दिया खुद ही बीजेपी के मान चुकी है कि वो हारे हैं इसलिए उन्होंने कानून काले कानून बनाए अगर ये काला कानून नहीं लाते क्यों लाया कि कांग्रेस जीत रही है कांग्रेस जीतेगी इनका हाल बुरा होगा बहुत बुरी हालत होगी अभी देख रहे हो अभी वो सीट जो निकली अभी वो सीटें निकली 11 थी 12 10 हारी 2 जीती अभी हिमाचल में क्या हाल हुआ वहां 7 स्टेटों में क्या हाल हुआ आगे क्या होने यार लोग इस समय इनको बदलने पलटने में तय हो चुके हैं दिस इज वेरी क्लियर धन्यवाद क्या देखते हैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जीत चुके हैं और दूसरी तरफ जो है रोजाना जो है बड़ी बड़ी सभाएं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है कहीं उनकी सभा नहीं हो रही कोई उनको पूछता नहीं उनका वो जीते साली को खुशी कहीं नहीं मनाई किसी ने लड्डू तक नहीं खाया किसी ने इनका बेड़ा गर्क हो चुका है ये हारे चोरी से जीते हैं हेरा फेरी से जीते हैं और ये ओ हेरा फेरी अब लोगों में जमीन पे तो है नहीं अब जमीन के साथ है नहीं इसलिए कांग्रेस पार्टी बताएगी आने वाले इलेक्शन में सारा ठीक करेंगे इनका धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस बार जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो जम्मू से इनके पियोगा होगा ऐसे फजूल बातें कर रहे हो कहाँ से होगा मोदी साहब डेली वेजेस का मसला जो है भारतीय जनता पार्टी को अब जाके डेली वेजेस वो हमने हल करना है ये सारी चीजें हमने हल करनी है इन्होंने कुछ नहीं करना है शेगी शे गया 43 है जम्मू की 43 लेंगे देख लेना आप कोई आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताएं आज का प्रोटेस्ट बड़ा क्लियर है आतंकवाद जो फैला है जो उन्होंने आर्मी हटाई थी पहाड़ों पे हाई रिशेस पे आर्मी और सीआरपीएफ उसको वापस किया जाए और लोगों को खाम खास तंग नहीं किया जाए जो लोग इसमें मशकूक हैं उन्हें सख्ती की जाए लेकिन लोगों को हरासमेंट किसी को ना किया जाए निजायज किसी आदमी को तंग ना किया जाए
और दूसरा नंबर जो काला कानून इन्होंने लागू किया हार आने के कारण हार अब हारेंगे नहीं ये, तो इन्हें पहले कानून लाया ताकि अगली सरकार आए तो हमारा कंट्रोल रहे, हमें दोनों के लिए भी मजामत करें और लड़ाई लड़े, इन्होंने क्या ताकतवर बोल है ताकतवर, इन्होंने क्या ताकतवर करा बनाया था हमने इनको, क्या पता विकास की वही उसी पावर के खिलाफ तो आज प्रदर्शन किया हमने। आतंकवाद के हिसाब से क्या ये फेल हो गया है क्योंकि जो बिल्कुल फेल नहीं, फेल से को बड़ा लेवल जो था वो हो गया। 20-25-30 साल से हमने ऐसा आतंकवाद नहीं देखा होगा, जो आतंकवाद पिछले 2-4 महीने से फैल रहा है। होम मिनिस्ट्री और एनडीए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम लोगों की सुरक्षा चाहिए, हम लोगों के यहाँ पर साधन संसाधन लूटे जा रहे हैं, हमारे रियासत का जो दर्जा था वो बहाल होना तो छोड़िए, उल्टा दिल्ली की तरह से पंगू बना दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर अपने आंदोलन जारी रखेगी और एनडीए सरकार की नीति के खिलाफ और एलजी को हम चाहते हैं कि जो जो यहाँ पर रेड जोन पर इंडस्ट्री लग रही है कठुआ में उसको फौरी तौर से बंद किया जाए। हमारे संघर्ष रुकेंगे नहीं, हमारे संघर्ष चलते रहेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी देखिए ऐसी व्यवस्था तो हमने कभी देखी नहीं, तो क्या चाल है। एक तरफ तो हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा सब जो कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम तो उसमें लगाम लगाएगा, लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। वही नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है कभी हम हुकूमत में आएंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उल्टा हमारा मुंह तोड़वा रहे हैं जम्मू वालों का। हम लोग खुद सक्षम थे अपनी सीमाओं के लिए, अपनी सीमाओं को हम खुद सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्या जो चाल है, क्या ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को, और जम्मू खत्ते का जो जो नुकसान कर रहे हैं। जम्मू की बात की जाती है, नया जम्मू कश्मीर होगा, यहाँ पे तो आतंकवाद ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप आतंकवाद की बात करते हैं, हमारे पहाड़ों में जाइए, जैसे बनी, बिलावर, बसोली, मिशेडी, इस जगह पे हमने कभी वारदात अपने जीवन में नहीं सुनी होगी। जिस तरह से खुलम खुला मेला में रेता गला रेता गया, उसके बाद सैडा सवाल में वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, उसके ऊपर चले गए। सरकार की कोई भी पॉलिसी नहीं है इस सुरक्षा सुरक्षा के लिए, और लोगों को बर्बाद रही है। और खुद जब कहते हैं कि रोम जल रहा था तो नीरो बंसी भी जा रहा था, एलजी और मोदी साहब दोनों बंसी भी जा रहे हैं और अमित शाह जी उसी टोन पे नाच रहे हैं। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना वो कहते हैं कि इस बार जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। टोल प्लाजे पर भी बैठे रहा जिलादा आऊं इतने बैठे हैं, है उसी कोई सीरियस नहीं लेता, तो बढ़िया जो सवाल पूछो कोई पाकिस्तान के खिलाफ, एनडी सरकार के खिलाफ, वी डोंट टेक हिम सीरियस।